हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ टुडे वी विल स्टडी योर इंग्लिश बुक। आज हम लोग आपकी इंग्लिश बुक स्टडी करेंगे जिसका नेम है ग्रेसफुल इंग्लिश प्री प्राइमर। ठीक है, ग्रेसफुल वर्ड भी नेम लिखा हुआ है। आप बुक बेटा टेक आउट करो विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स एंड यू हैव टू ओपन पेज नंबर 13। ओके बेटा, ओपन योर बुक एट पेज 13। पेज नंबर 13 ओपन करिए एंड नाउ रेडी विथ योर पेंसिल। करना क्या है पहले बेटा समझिए, फिर हम लोग करेंगे। ओके, देखिए आपका मैंने जो ये पेज नंबर 13 ओपन करवाया है बेटा, इसमें बहुत से फिगर्स बने हुए हैं। फर्स्ट फिगर क्या है पहचानिए, कैट है। ओके, तो कैट की स्टार्टिंग किस लेटर से होती है? सी ए टी, कैट, सी फॉर कैट। अब देखिए कैट के नीचे थ्री लेटर्स यहाँ दिए हुए हैं, कौन कौन से? ए टी सी। लेकिन फिगर क्या है? सी फॉर कैट है, तो आपको सी को सर्कल कर देना है। ओके, अभी मैं करवाऊंगी, पहले समझ लीजिए। सी को सर्कल करना है और जो कैट बनी है ना, आपको कैट की स्पेलिंग राइटिंग करनी है। कैट की क्या स्पेलिंग होगी? सी ए टी, कैट। ऐसे सारे फिगर्स को पहचानना है। पहचान करके फर्स्ट लेटर, जिससे कि वो फिगर का नेम स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेटर को सर्कल करना है और फिर उस फिगर का पूरा नेम राइटिंग आपको बुक में करना है। ठीक है, डोंट वरी, घबराइएगा नहीं, आपके लिए थोड़ा टफ है लेकिन मैं बताऊंगी, आप करेंगे, मैं जो जो बताऊंगी, जैसे बताऊंगी, आप बेटा करते रहना, फिर बार बार रीडिंग करोगे, तुम्हें सब आ जाएगा। ओके बेटा, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, मुझे पता है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज हैं और सब सीख जाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। नाउ सी बेटा, फर्स्ट फिगर में कैट है ना, तो कैट की स्टार्टिंग सी से होती है, सी फॉर कैट। तो सर्कल करने का देखिए क्या मतलब है, सी को ऐसे सर्कल कर दिया हमने। ठीक, अब हमें यहाँ नीचे फुल नेम राइटिंग करना है इसका, तो राइट डाउन विथ मी सी ए टी, कैट। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पिक्चर। बेटा ये क्या है? रिंग है, अंगूठी जिसको कहते हो, रिंग फिंगर्स में पहनते हैं ना बड़े लोग, तो रिंग आर फॉर रिंग हुआ ना, तो R फॉर रिंग हुआ, तो R को पहले सर्कल कर दो आप बेटा, R को सर्कल कर दो। अब हमें राइट डाउन करना है वॉट, R I N G, रिंग, स्पेलिंग ऑफ रिंग। नाउ राइट डाउन R I N जी, आर आई एन जी, रिंग। नाउ नेक्स्ट पिक्चर। अरे बेटा देखिए तो ये क्या बना है भाई, मंकी बना है, मंकी है ना, तो फर्स्ट लेटर क्या हो गया बेटा? एम। नाउ सर्कल एम, एम को सर्कल कर दिया। अब भाई मंकी की स्पेलिंग राइट करनी है, तो स्पेलिंग तो थोड़ी टफ है, डोंट वरी मैं बताऊंगी बेटा। नाउ स्टार्ट, M O N K E Y, मंकी। ओके, नाउ नेक्स्ट फिगर। अरे ये क्या बना है, ये तो एलिफेंट है। अच्छा, तो एलिफेंट कैसे स्टार्ट होता है? ई फॉर एलिफेंट, तो चलिए ई को सर्कल कर दीजिए। अब एलिफेंट की स्पेलिंग ई
टी क्या हो गया बेटा ये एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट। नाउ नेक्स्ट फिगर, अब ये क्या है पहचान रहे हो ना? यस आइसक्रीम, लेकिन अभी आइसक्रीम मत खाना, इस समय कोरोना वायरस का अटैक चल रहा है, आइसक्रीम खाना बिल्कुल मना है, कोई बच्चा नहीं खाएगा, लेकिन राइटिंग तो किया जाएगा। आई फॉर आइसक्रीम होता है ना, तो चलिए आई को सर्कल करते हैं फर्स्ट लेटर को, और अब आइसक्रीम आई सी ई, हल्का सा डैश डालिए, सी आर ई ए एम, ये बेटा हो गया आइस क्रीम। अब आइए काइट बनी है, पतंग उड़ाते हो, उड़ा लिया करो कभी कभी, लेकिन ज़्यादा नहीं बेटा ना, तो के फॉर काइट, तो चलिए के को सर्कल करते हैं। अब स्पेलिंग राइटिंग करते हैं, के आई टी ई काइट, आप लोगों को भी बुक में करना है बेटा जैसे मैं बुक में कर रही हूँ, ओके। नाउ नेक्स्ट फिगर, अरे ये क्या बना है, जोकर बना है भाई ये तो, जो आपको हंसाता है, तो जे फॉर जोकर होता है, तो चलिए जे को सर्कल करते हैं, और अब स्पेलिंग राइट करते हैं इसकी, जे ओ के ई आर जोकर, ओके बेटा। अब ये नेक्स्ट फिगर तो सभी लोग पहचान रहे हो, क्या है बताओ? यस ए फॉर एप्पल, तो चलिए ए को पहले सर्कल कर लीजिए। अब ए की स्पेलिंग, ए डबल पी, डबल पी यानी टू टाइम्स पी है ना, इसलिए डबल पी, एल ई एप्पल, ओके। अब देखिए आपके खेलने का सामान आ गया, बैट बॉल खेलते हो आप ना, क्या है ये बैट, बी फॉर बैट, तो बी को सर्कल कर दो, स्पेलिंग भी बहुत इजी है, बी ए टी, बी ए टी बैट। नेक्स्ट आइए, अरे तो लॉयन बना है, डरे नहीं ना, मत डरना, फॉरेस्ट में रहता है लॉयन, ओके, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एल फॉर लॉयन होता है, तो आइए एल को सर्कल कर लेते हैं, और अब स्पेलिंग, एल आई ओ एन लॉयन। अब ये क्या है भाई, ये तो हैट है, कहाँ पहनते हो, अपने हेड पर पहनते हो, पहनते हो ना, चलो फटाक से एच फॉर हेड, तो एच को सर्कल करो भाई, ये हो गया। अब राइटिंग करेंगे, स्पेलिंग एच ए टी हैट। अब आइए वाटरमेलन, खाते हो इसको ना, अंदर से रेड होता है, तो स्पेलिंग तो बड़ी है, और पहली बात पहले फर्स्ट लेटर डब्ल्यू को सर्कल कर दो, थोड़ी सी स्पेलिंग बड़ी है लेकिन घबराइएगा नहीं बेटा, डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर, फिट हल्का सा डैश लगाइए, मेलन एम ई एल ओ एन, बाहर निकल गया कोई बात नहीं, स्पेलिंग लंबी है बड़ी है बाहर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कंप्लीट करिएगा बेटा, मैं चेक करूँगी सबकी कॉपी, गुड राइटिंग में करने की कोशिश करिएगा, ओके बेटा, थैंक यू।